इन देश ऑफ अल्लाह दोस्ट क्रेशियस दि मोस्ट मर्सीफुल ऑल प्रेजिज एंड ब्लेस अपन स्टूडेंट असल टीचर उमर मंजूर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फिजिक्समेंट टेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स तो फिजिक्स पोर्शन में पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन सिक्सटी वन

इनको R1 और R2 नाम दे दिया और इनके अक्रॉस क्या है एक 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है अब हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स इस 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मींस R2 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स दो मेथड्स हैं दोनों यहां पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अगर ओम स्लोग के अकॉर्डिंग बात की जाए करंट ऑफ द सर्किट हमें पता है स्टूडेंट्स सीरीज के अंदर जो है जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स में क्या है सेम करंट पास होता है और उस सीरीज सर्किट के करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या है सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर इस सर्किट की बात की जाए सर्किट का टोटल पोटेंशियल क्या है दैट इज ट्वेंटी वोल्ट और इक्विवेलेंट इस सर्किट की क्या होगी वो होगी सम ऑफ़ समीज टू बिकॉज़ दोनों क्या है? सीरीज में लगे हुए तो यहां पे 12 प्लस 8 करेंगे स्टूडेंट्स इसका आंसर 20 आ जाएगा 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो सर्किट का करंट आ जाएगा वन एम्पेयर अब ये वन एम्पेयर आर में से भी पास करेगा और आर में से भी पास करेगा नेक्स्ट अगर यहां पे बात की जाए स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू ट्वेल्व है आई मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहां पे क्या है उसको हमने आर टू लेबल किया हुआ आई चुके दोनों रेजिस्टेंस में से सेम है इसकी वैल्यू वन एज इट इज आ जाएगी रेजिस्टेंस आर टू की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की दैट इज ट्वेल्व होम ट्वेल्व को स्टूडेंट्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या है इट इज 12 वोल्ट और 12 वोल्ट किस ऑप्शन में मौजूद है स्टूडेंट्स इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन डेल्टा अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड है जिसको वोल्टेज डिवीजन रूल बोला जाता है सीरीज सर्किट के लिए उससे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व उस वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सीरीज में लगे किसी भी रजिस्टर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहां पे हमने R2 के क्रॉस फाइंड करना है तो V2 पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा जिस रजिस्टर में जितने भी में यहां पे रजिस्टर्स लगे होंगे उन सारों की कैसे आती है सीरीज में सारों को सारी इंडिविजुअल रजिस्टेंसिस को एड करके तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन बनेगी वी टू इज इक्वल टू आर टू मतलब जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल फाइंड करना है उसकी उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर में रखना है और डिवाइड कर देना है सम ऑफ ऑल द रजिस्टेंसिस जो सीरीज में लगे हुए हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टोटल बै, बैटरी वोल्टेज जो उस सर्किट में कनेक्टेड है अब यहां पे वैल्यूज अगर प्लग इन करेंगे आर की जगह पे ट्वेल्व आ जाएगा आर की जगह एट आर की जगह ट्वेल्व इनको सिम्प्लीफाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी के साथ 12 plus 8 students आएगा 20, ये इस 20, 20 से हो जाएगा, जाएगा? तो तो का answer क्या बच जाएगा? It will be 12 तो दोनों method से किया सकता है students, but simpler method, जो के shortcut method है, है, है? वो क्या वोल्टेज डिवीजन रूल वाला अगर आप इस मेथड में देखें इसमें आपको क्या है दो दफा दो स्टेप्स करने पड़ेंगे दो दफा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगी तो बेटर इसकी आप शॉर्टकट मेथड से करें वो ये है हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल सिक्सटी वन क्वेश्चन का आंसर क्या है इट इज डेटा नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन सिक्सटी टू द रिजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इट इज स्ट्रेस यूनिफॉर्मली इंपॉर्टेंट वर्डिंग क्या है स्ट्रेच उसको कर रहे हैं यूनिफॉर्मली अब इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं यूनिफॉर्म स्ट्रेच से क्या मुनाद है सो दैट इट्स लेंथ बिकम डबल्ड द रेजिस्टेंस नाउ बिकम्स एक वायर है स्टूडेंट उसकी रेजिस्टेंस आर है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं यूनिफॉर्मली उसकी लेंथ क्या हो गई स्ट्रेच करने से डबल हो गई बताना है मॉडिफाइड रेजिस्टेंस क्या होगी यहां में स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जब वायर को स्ट्रेच यूनिफॉर्मली किया जाता है तो इससे मुराद होता है वायर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ उसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा सेम होगा जब भी हम वायर की बात करते हैं वायर की शेप चूंकि सिलेंड्रिकल होती है उस केस में वायर का वॉल्यूम जो है वो क्या आता है बाय डेफिनेशन वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर इसी तरह अगर फाइनल एरिया फाइनल वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां पे फाइनल एरिया और फाइनल लेंथ आ जाएगी अब सपोजिंगली इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था ए था इनिशियल लेंथ एल थी अगर वायर को स्ट्रेच करने पे स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू डबल हो जाए तो वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम के बराबर करने के लिए एरिया को क्या होना पड़ेगा हाफ होना पड़ेगा सो so दैट के ये वाला टू इस ट्रू से कैंसिल हो जाए और ए और एल की प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाए यूनिफॉर्म स्ट्रेस से यही मदात होती है कि वायर को क्या किया गया है उसका वॉल्यूम टेम्पर नहीं किया गया वॉल्यूम चेंज नहीं किया गया तो स्टूडेंट्स यहां से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है स्टेटमेंट में चुके गिवन है लेंथ डबल हो गई लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से वॉल्यूम से पता चल गई अब अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए रेजिस्टेंस बराबर है रो एल ओवर ए यहां पे अगर आप फाइनल पैरामीटर शूट करेंगे लेंथ की जगह पे टू एल आ जाएगा एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा यहां से जो इन्फॉर्मेशन आई थी एरिया हाफ हो जाएगा ये टू जो है वो डबल डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा यहां पे हमारे पास आर प्राइम बराबर आ जाएगा फोर रो एल ओवर एरिया अब रो एल ओवर एरिया इट इज वॉट इट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जिसको आर के साथ जो है वो डिनोट किया गया है स्टेटमेंट के अंदर मैंशन किया गया है इसकी जगह आर पुट करेंगे तो इसका मतलब है फाइनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी फोर टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेथड है जो कि डिटेल मेथड मेथड है है अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड जो है वो जरूर यहां पर डिस्कस करेंगे याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाए तो स्ट्रेच करने से डेफिनेट क्या होता है लेंथ की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाए एल प्राइम मीन मॉडिफाइड लेंथ इनिशियल लेंथ से एन टाइम्स हो जाए और यहां पे गिवन स्टेटमेंट में वो क्या है टू टाइम्स एल मीन्स पहले से डबल हो गई है लेंथ तो शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट्स अगर लेंथ जो है वो एन टाइम्स बढ़ जाए तो मॉडिफाइड रेजिस्टेंस होती है टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस मीन यहां पे जो भी एन आएगा वो यहां पे प्लग इन करेंगे उसका स्क्वेयर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ तो यहां पर चूंकि एन की वैल्यू टू है स्टूडेंट्स हमारे पास टू द रेजिस्टेंस आ जाएगा आंसर फोर टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस तो हमारे क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या बन गया? जिसमें लिखा गया है फोर आर अब यहां भी स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए तो स्ट्रेच करने से लेंथ तो बढ़ती है लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाता है पहले से कम हो जाता है अब अगर यहां पे हम इसको शॉर्टकट बनाएं इफ ए प्राइम मींस मॉडिफाइड एरिया ए बाय एन हो जाए मींस एरिया एरिया पहले वाला जो था उससे एन टाइम्स मॉडिफाइड स्ट्रेच होने की वजह से कम हो जाए तो यहां पे भी शॉर्टकट क्या है यहां पे भी सेम शॉर्टकट है आर प्राइम विल बी बीस टू एन स्क्टर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहां पर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है बड़ी क्रिटिकल है जिसकी वजह से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो भी आपने याद रखनी है कि यहां पे हमारे पास गिवन क्या है ए प्राइम इज इक्ल टू ए बाई एन फॉर इंस्टेंस अगर स्टेटमेंट में कहा जाता वायर को स्ट्रेच किया गया और उसका एरिया पहले से हाफ हो गया तो आपने इस शॉर्टकट के अंदर एन की जगह पे वन ओवर टू पुट नहीं करना बल्कि क्या करना है आप लिखेंगे ए प्राइम इज इक्व टू ए बाई टू अब ए बाई टू को जब ए बाई एन से कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी टू आएगी या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ए प्राइम जो है अगर ए बाई टू है तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वही क्या है एन की वैल्यू है तो ये एन की वैल्यू जब यहां पे प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट सही आंसर आएगा बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स चूके लेंथ को मॉडिफाई किया गया था तो उसके हमारे पास आंसर जो है सिक्सटी टू का क्या बना चार्ली बना जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन सिक्सटी थ्री अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर बंडल्ड साइड बाय साइड वेरी वर्डिंग साइड 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 बाय बाय से से क्या है side side से मुराद होता है होता फैशन तो एक वायर जिसकी थी उसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया गया पूछा गया है तो जो बंडल्ड वायर है मीन पैरल कॉम्बिनेशन है उसकी क्या है? तो ये है, एक R है, उसको दो बराबर हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी आर बाय टू आर बाई टू आ जाएगी यहां पे एक शॉर्टकट जो है इन जनरल भी याद रखिएगा कि अगर एक वायर को कट किया जाए इक्वल पार्ट्स में बेशक वो एन इक्वल हो रादर देन जो कि इस स्टेटमेंट में थे अगर एन इक्वल पार्ट्स हो तो आप आर ऑफ ईच पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आर बाय एन आर क्या होगा ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस और एन क्या होंगे जितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आप कर रहे हैं बहरहाल गिवन सिचुएशन में पार्ट uh, थे वो क्या थे स्टूडेंट्स टू थे तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी आर बाई टू अब इन दोनों पार्ट्स को क्या किया गया है पैरेलल फैशन में कनेक्ट कर दिया गया अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाई एन ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स तब एप्लीकेबल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आइडेंटिकल एन रेजिस्टर्स जो हैं जिनकी वैल्यूज आइडेंटिकल से मुराद ऑफ कोर्स क्या है सारों की वैल्यू क्या है सेम है और उनको पैरल में लगाया जाए तो आइडेंटिकल एन इक्वल रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग अगर आप इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आर बाई एन यूज करेंगे अब ये आर क्या है इट इज द रजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर जो कि इस सिचुएशन में क्या है आर बाय टू है आर बाय टू प्लग इन करें एन की जगह टू प्लग इन करें यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट का आंसर आएगा आर बाय फोर और आर बाय फोर स्टूडेंट्स मौजूद है इट इज इन द ऑप्शन चार्ली सो क्वेश्चन सिक्सटी थ्री का आंसर स्टूडेंट्स क्या है इट इज चार्ली जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं पे. तो so, so, हमारे पास थर्टी रेजिस्टेंसीज है हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है वन ओवर फोर ओहम है तो पूछा गया है उनके कॉम्बिनेशन से स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या अचीव की जा सकती है तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये पता होनी चाहिए कि अगर आप स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अचीव करना चाहते हैं तो रजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब अगर पैरेलल के अंदर आप जो है वो कनेक्ट करते हैं एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को तो एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए अभी हमने शॉर्टकट देखा क्या है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाय एन

द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंडीटर ऑफ एनी ऑफ द सर्कल इज तो वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस है उस वायर को आपने बेंड करके कन्वर्ट कर दिया है सर्कुलर शेप में अब पूछा गया है किसी भी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्कल के लिए क्या होगी तो यहां में स्टूडेंट ये सिचुएशन गिवन है 16 ओम इस वायर को जब बेंड करेंगे और एक सर्कल की शेप देंगे आ, हमारे पास जो है पूछा गया है कि उस सर्कल के किसी भी डायामीटर के Across जो दो दो आएंगे उन points के के uh, कितनी है। है है तो यहां पे अगर मैं imagine कर लूं, ये मेरे पास और अब जो जो वो ऐसी line होती सर्कल को क्या करती है सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर में से भी पास करती है आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि जो डायामीटर वाली लाइन होती है वो क्या करती है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देती है तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के आप दो आ, के दरमियान फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक क्या है ऊपर मौजूद है पार्ट ए क्या है नीचे मौजूद है और दोनों चूंकि इक्वल लेंथ हैं दोनों पार्ट्स की दैट मीन्स कि अगर टोटल रेजिस्टेंस जो है ओरिजिनल वायर की सिक्सटीन थी तो इस पार्ट की रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगी हाफ आ जाएगी मीन्स एट ओह और नीचले वाले पार्ट की भी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी डेफिनेटली वो एट ओह आ जाएगी अब ये दोनों ए टम स्टूडेंट्स की फैशन में कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर एट ओह के दोनों दोनों टर्मिनल्स क्या है सेम पॉइंट के दरमियान में कनेक्टेड है तो ऐसे फैशन को बोला जाता है पैरल फैशन सो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ओवर एन एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है आर ओह कितने रेजिस्टर इक्वल वैल्यू के पैरेलल में है दो रेजिस्टर तो एट बाय फोर करेंगे आंसर आ जाएगा फोर ओहम और फोर हम किस ऑप्शन में मौजूद है इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन चार्ली सो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स इट इज चार्ली नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कंपोनेंट्स ऑफ फिलोसिटी पैरल एंड नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन नॉर्मल सिम नॉट पर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हम एक इस क्वेश्चन के आंसर की बजाय हम तीन डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे तो देखिएगा यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो सच दैट एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी मींस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है जीरो या वन एटी हो पहली सिचुएशन क्या है अगर वी और बी का एंगल जीरो या वन एटी हो तो याद रखिएगा जीरो या वन एटी के करस्पॉन्डिंग एफ इज इक्व टू क्यू वी बी साइन थे मैग्निट्यूड होती है जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है तो बाय फॉर्मूला जब साइन की जगह पे जीरो पुट कर साइन जगह पे जीरो पुट करेंगे या थेटा की जगह वन पुट करेंगे दोनों के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी तो दैट के कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था उसी स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा उसी पाथ को कंटिन्यू करेगा ये हो गया स्टूडेंट्स पहला पॉइंट पॉइंट दूसरा याद रखिएगा अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या हो नाइनटी डिग्री हो तो नाइनटी डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक फोर्स एक तो वैल्यू में मैक्सिमम एक्ट करती है और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चूंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी के जब होगी तो उसके पाथ को एग्जैक्ट क्या है सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी और मैग्नेटिक फोर्स रोल प्ले कर रही होती है वहां पे एज सेंट्रीबिटल फोर्स दूसरा पॉइंट क्या आ गया जब एंगल 90 होगा तो पाथ जो ट्रेस होगा वो एग्जैक्ट सर्कुलर होगा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थीटा अदर देन इस वन एटी हो तो स्टूडेंट इस केस में याद रखिएगा थीटा अगर जीरो इनके अलावा कोई भी वैल्यू हो जाए वो फोर्टी फाइव हो जाए थर्टी फाइव हो जाए वो कोई भी एंगल वैल्यू में हो जाए तो उसके जो पाथ ट्रेस होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो पाथ क्या है वो पाथ एग्जैक्ट हेलिकल शेप का होता है हेलिकल शेप का पाथ से मुराद है मूविंग सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक अ स्प्रिंग या जस्ट लाइक अ स्पाइरल पाथ स्टूडेंट्स कहा जा सकता है इसको तो यहां पे क्यों पाथ जो है वो हेलिकल बनता है वजह बड़ी सिंपल है जब एंगल स्टूडेंट्स जीरो वन एटी और नाइनटी के अलावा कोई भी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग विलोसिटी को जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो विलोसिटी का एक कंपोनेंट बनेगा एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर विलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से क्या है जो फोर्स एक्ट करेगी उसकी वजह से पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर ट्रेस होगा और एक कंपोनेंट स्टूडेंट बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के विलोसिटी का कंपोनेंट बन जाएगा पैरेलल वो पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा उस पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट नहीं करेगी लेकिन उस कंपोनेंट की वजह से क्या है चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव तो करना चाहेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी पर पेंडिकुलर जो फिलोसि का कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के उसकी वजह से एग्जैक्ट सर्क्युलर पार्ट ट्रेस होना चाहेगा और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या है चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड भी मूव करना चाहेगा एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा एक मूविंग सर्कुलर हेलिकल पाथ होगा सो हमारे फिर क्वेश्चन 66 का बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा एल्फा बनेगा जिसमें लिखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इफ ई एंड बी आर पर टू ईच अदर एंड ऑल्सो पर पेंडिक्यूलर टू पार्टिकल्टल विल मूव अनुलिएगा स्टेटमेंट बहुत लंबी है लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड है? लेते हैं ब्लैक है? तो बॉक्स है या यू कह लें ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, खास के जो है उनकी सिलेक्शन करता है उनको अपने अंदर से जब खास विलॉसिटी वाले चार्ज पार्टिकल उस ब्लैक बॉक्स में से गुजरेंगे तो वो वाले खास वाले चार्ज पार्टिकल मूव करके उस ब्लैक बॉक्स से इजेक्ट हो जाएंगे अदर देन दैट पर्टिकुलर विलॉसिटी जो भी विलोसिटी किसी और चार्ज पार्टिकल के पास होगी वो उसी बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा या तो इलेक्ट्रिक फोर्स के डोमिनेट करने की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स के डोमिनेट करने की वजह से सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स यहां पर यह है एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है दैट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इट इज इन टू इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अब यहां से अगर एक चार्ज पार्टिकल इस रीजन में एंट्री लेता है ये चार्ज पार्टिकल क्या है सपोजिंगली पॉजिटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पार्टिकल अपर प्लेट से पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से रिपेल होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा मीन्स इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और अगर आप फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फूल्ड की फोर्स की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थम यहां पे शो करता है मैग्नेटिक फोर्स को ये इंडेक्स फिंगर शो करती है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को और वी uh, ये मिडिल फिंगर शो करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो यहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनटू द पेज है वेलोसिटी जो है वो क्या है राइटवर्ड right है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है फोर्स की डायरेक्शन इज टर्निंग आउट टू टू बी अपवर्ड दैट के मैग्नेटिक फोर्स फोर्स जो है 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 वो क्या अपोजिट द इलेक्ट्रिक तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए तो दोनों फोर्सेस क्या कर कर देंगी स्टूडेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी एज अ रिजल्ट ये पार्टिकल यहां से अनडिफ्लेक्टेड मूव करता हुआ यहां से इस बॉक्स में से इजेक्ट हो जाएगा और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी तो या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बैंड हो जाएगा या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में बैंड हो जाएगा और बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकेगा तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्विकली आपको बता दिया कि सिलेक्टर काम कैसे करता है अब वो जो अनडेविएटेड पार्टिकल्स हैं या सिलेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स वो कैसे इस वो जब इस बॉक्स में से बाहर निकल रहे होंगे तो उनके करेस्पोंडिंग सिचुएशन क्या होगी एफ बी और एफ ई एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट हो रही होंगी जब इन दोनों फोर्सेस को स्टूडेंट्स आप बैलेंस आउट करेंगे थिएटा की जगह पे चूंकि ये क्या है वी और बी का एंगल जो कि इस सिचुएशन में क्या है बी इन टू दब है वेलोसिटी राइट वर्ड है उसकी वैल्यू 90 आएगी साइन 90 पे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है वन हो जाता है

क्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 68 एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स इक्वल मोमेंटम सिचुएशन क्या है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल है पूछा गया है और मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल एंटर हो रहे हैं मीन्स दोनों सर्कुलर पार्थ पे मूव करेंगे पूछा गया है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्क्यूलर पार्थ बी आर ई एन आर एल्फा रिस्पेक्टिवलीन तो और सारी ऑप्शन में स्टूडेंट उनकी रेशो के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है हमने सेलेक्ट करना है कौन सी रेशो ट्रू है तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स रोल प्ले करती है सेंट्रिपिटल फोर्स का इन दोनों को आप इक्वेट कर ले यहां से अगर आप आर को सेपरेट करेंगे तो आर बराबर आएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बराबर होगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी एम वी को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है मोमेंटम तो रिलेशन क्या बन गया P divided by Q into B. अब स्टेटमेंट में क्या कहा गया मोमेंटम सेम है मोमेंटम अगर सेम है तो आर ई ओवर की रेशियो को अगर आप सॉल्व करें आर ई e की जगह पे आ जाएगा P ओवर Q E टू बी पी और आर एल्फा की जगह पे आ जाएगा P ओवर Q एल्फा इंटू बी पी दोनों चुके सेम है स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी चुके एक ही रीजन में एंटर हो रहे हैं दोनों के लिए सेम है B भी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो बनेगी अल्फा बनेगीवाइडेड बाई क्यू या कह लें की रेशियो बराबर होगी इनवर्स रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स उसका चार्ज क्या होता है दैट इज टू बिकॉज अल्फा पार्टिकल क्या है हीलियम का न्यूक्लियस है और हीलियम के न्यूक्लियस में चूंकि दो प्रोटॉन्स होते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा टू और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है ई e है EE से कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो का आंसर क्या आएगा टू आएगा और टू किस ऑप्शन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ऑप्शन चार्ली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स और नेगेटिव दोनों हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर फोर्स की बात की जाए स्टूडेंट्स ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी नेगेटिव प्लेट क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी दैट मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी सिचुएशन अपोजिट होगी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी दैट मीन्स के नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगी बहरहाल यहां पे स्टूडेंट्स चुके पूछा गया था पॉजिटिव चार्ज के केस में तो आंसर बनेगा बीटा जिसमें लिखा गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है इफ अ चार्ज ऑफ इज मूविंग विद विदोसिटी फाइव मीटर पर एंटर एट डिग्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थ्री मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज तो सिंपली यूज करेंगे एफ इजिकल B sin साइंथेटा सारी वैल्यूज यहां पे प्लग इन कर दें स्टूडेंट्स 5 into 2 आ जाएगा टेन थ्री एज इट इज आ साइन फोर्टी फाइव पे स्टूडेंट्स हम टेबल चुके याद करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज के ऊपर साइन फोर्टी फाइव पे वैल्यू होती है अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन को टेन के साथ तो ये डेसीमल फ्रैक्शन क्या करेगा एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा दैट मीन की इनकी प्रोडक्ट आएगी सेवन पॉइंट जीरो सेवन इसको अगर अप्रोक्सीमेट आप सेवन कर लें तो सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा ट्वेंटी

बीटा ऑप्शन है चार्ज करियर्स इन गैसेस एंड एंड प्लाज्मा आर इलेक्ट्रॉन्स तो ये बात भी ट्रू है स्टूडेंट्स चार्ली ऑप्शन है चार्ज करियर्स इन द मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी ट्रू है बात दैट मींस के डेल्टा हमारा फिर करेक्ट आंसर है जिसमें लिखा गया है ऑल ऑफ दीज सेवेंटी वन आंसर इज डेल्टा नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है नॉन अब यहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओहमिक डिवाइसिस के लिए क्या चीज ट्रू है तो ओहमिक डिवाइस बाय डेफिनेशन ऐसे डिवाइस हैं जिन डिवाइसिस में करंट्स और वोल्टेजेस की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर क्या रहती है सेम रहती है कॉन्स्टेंट रहती है तो इसका मतलब है नॉन ओहमिक ऐसे डिवाइसिस होंगे जिनकी रेजिस्टेंस जिनकी कंडक्टेंस जिनका टेम्परेचर जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट वोल्टेज के लिए सेम नहीं रहता या अगर आप ग्राफ के साथ इसको रिलेट करें तो ओहमिक डिवाइसिस के ग्राफ की स्लोप क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है स्लोप अगर कांस्टेंट होगी तो होमिक डिवाइसेस की कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस भी क्या आएंगी कांस्टेंट आएंगी चूंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है आईवी ग्राफ की कंडक्टेंस को कंडक्टेंस किसके बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो होमिक डिवाइसेस के लिए दोनों चीजें कॉन्स्टेंट है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट होगी नॉन ओमिक डिवाइस के लिए ये दोनों चीजें वेरिएबल तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी वेरिएबल हो जाएगी अब इस परस्पेक्टिव में देखिएगा नॉन ओमिक डिवाइस के लिए फिर बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगी चार्ली बनेगी जिसमें लिखा गया है वेरिएबल स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज का अगर वेरिएबल स्लोप होगी तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी वेरिएबल हो जाएंगी सो क्वेश्चन सेवेंटी का आंसर स्टूडेंट फिर क्या है इट इज चार्ली नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन 73 थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी 2022 का जो एमडी कैट का ओरिजिनल पेपर था उस पेपर के अंदर चार्ज किया गया एक बैटरी से और फिर क्या कर दिया गया डिस्कनेक्ट कर दिया गया उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको यू से रिप्रेजेंट किया गया इनिशियल को स्टूडेंट्स अभी यहां पे हम जो है वो की दे देते हैं. ये कैपेसिटर है कैपेसिटेंस इसकी सी है सपोज कर लें इसको V पोटेंशियल से आपने चार्ज किया है बैटरी के पोटेंशियल से और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई U तो इसकी एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन आ जाएगा बाय डेफिनेशन हाफ सी इंटू वी स्क्वेयर इसको नाम दे देंगे ये वन का अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल ऑफ कोर्स अक्रॉस से मुराद क्या है पैरेलल फैशन तो ये वाला नया कैपेसिटर स्टूडेंट्स आइडेंटिकल तो है मींस अगर इसकी कैपेसिटेंस सी है तो न्यू कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी क्या है सी है तो दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं बट सिचुएशन क्या है ये कैपेसिटर स्टूडेंट्स क्या है चार्ज है ये कैपेसिटर क्या है अनचार्ज्ड अब होगा क्या ये वाला कैपेसिटर यहां पे एज अ सोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा यहां से चार्ज मूव करेगा दूसरे कैपेसिटर कैपेसिटर की तरफ और दोनों दोनों जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा चूंकि पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा चार्ज दोनों में क्या हो जाएगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज दोनों क्या है आइडेंटिकल है तो दोनों को चार्ज भी फिर क्या है इक्वल मिल जाएगी तो पूछा यह क्या है कि इस सिचुएशन में इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर दोनों के पास जो अलग अलग मीन्स इंडिविजुअली जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी बाकी वो कितनी होगी इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल जो इक्विलिब्रियम होगा जब इनको आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या आएगा तो टोटल पोटेंशियल होगा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो बुक में डिस्कस करते हैं Q इज इक्वल टू सी इन टू वी वहां से V को जब सेपरेट करेंगे तो V बराबर आएगा Q ओवर C अब यहाँ पे ये टोटल चार्ज आ जाएगा जो इस कॉम्बिनेशन के पास है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि इस पैरल कॉम्बिनेशन के पास है देखिएगा फर्दर स्टूडेंट्स टोटल चार्ज क्या होगा दोनों का चार्ज सिंपली बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एड हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केस में क्या होती है तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पैरलिटर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो फॉर्मुले वही होंगे जो रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं मीन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या करते हैं रजिस्टेंसीज डायरेक्ट एड कर लेते हैं तो कपैसिटर्स के पैरल कॉम्बिनेशन में भी कैपेसिटेंसिस को डायरेक्ट एड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी वन प्लस सी टू दोनों चुके आइडेंटिकल कैपेसिटर है आ जाएगा सी प्लस सी क्यू वन की जगह पे आ जाएगा सी इन टू वी सी क्यू वन की कैपेसिटेंस और वी उसका क्या है इनिशियल पोटेंशियल प्लस सी क्यू टू की जगह पे क्या आ जाएगा सी कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर वो भी सी ही है मल्टीप्लाई उसको करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अब चुके ये वाला कैपेसिटर स्टूडेंट्स क्या था इनिशियली अनचार्ज uh, था इसके इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था तो इसका पोटेंशियल इनिशियल क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा तो बाय अब, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों कैपेसिटर्स के पास जो है चूंकि आइडेंटिकल है तो सेम एनर्जी कोर्स होगी आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल तो कितनी कितनी एनर्जी होगी मैं लिख लेता हूं इसको U1 वन प्राइम यू प्राइम दोनों आपस में बराबर होंगी और बाय डेफिनेशन बराबर होगी हाफ C C यहां पर स्टूडेंट क्योंकि आप एक कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस आएगी किसी भी एक कैपेसिटर की और V प्राइम का स्क्वेयर V प्राइम क्या है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उसकी वैल्यू यहां पर प्लग इन कर दें वी बाई इसका स्क्वेयर लें और सिंप्लीफाई करें आपके पास आएगा हाफ सीवी स्क्वेयर और ये जो वन ओवर टू का स्क्वेयर था ये बन जाएगा वन ओवर फोर तो ये वाली चीज आप स्टूडेंट्स क्या है हाफ नंबर स्क्न के अकॉर्डिंग क्या है, ये यू के है तो यू एनर्जी स्टोर्ड तो U1 प्राइम U2 प्राइम मीन्स एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर जब उनको आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी U बाई फोर मीन्स इनिशियल एनर्जी से क्या आ जाएगी वन फोर्थ हो जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट अब यही यहां पे पूछा गया था स्टूडेंट्स कि ईच कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो आप बताएं जब उनको कनेक्ट कर लिया जाता है तो क्वेश्चन सेवेंटी थ्री का फिर बेस्ट आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे बन जाएगा बीटा अब अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि जब उनको दोनों कपैसर को कनेक्ट कर दिया गया तो आफ्टर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी दोनों के पास कितनी होगी तो टोटल एनर्जी ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी U1 वन प्राइम प्लस यू टू प्राइम दोनों को एड करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से हाफ हो जाएगी और यहां पे फिर एक क्यूरियस माइंड्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाफ एनर्जी इनिशियली टोटल एनर्जी क्या थी दोनों आ, के पास एक के पास तो यू थी दूसरे के पास क्या थी कोई चार्ज था ही नहीं एनर्जी क्या थी जीरो थी तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है फिर यू है और फाइनल टोटल एनर्जी क्या आ रही है यू बाई टू तो क्यूरियस माइंड के अंदर यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि वो जो हाफ एनर्जी है वो कहां पर जाया हो गई तो बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक है स्टूडेंट्स जब ये वाला कैपेसिटर इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होता है तो अपनी हाफ एन जो है वो क्या कर देता है वो ड्यूरिंग दैट चार्जिंग प्रोसेस लूज कर देता है अब इस Uh, चीज की फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेगुलर सेशन के अंदर जब हम लेक्चर में डिस्कशन कर रहे होंगे बहरहाल ये चीज आपने यहां पे याद रखनी है कि जब चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज अप कर रहा होगा तो उस दौरान में वो अपनी कुछ एनर्जी जो है और वो कुछ एनर्जी से मेरी मुराद हाफ एनर्जी जो है वो क्या कर बैठता है जाया कर बैठता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये हमारे पास आ गई अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की पूछी जाती फाइनली तो यू बाई टू और चूंकि यहां पे एक कैपेसिटर की एनर्जी फाइनली पूछी गई है तो आंसर इज इज इट नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेवेंटी फोर वट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स ट्वेल्व हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी टू मूव अ चार्ज ऑफ टू कोलॉम बिटवीन दीज टू पॉइंट तो बड़ी सिंपल स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन डेटा वी वर्क या एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है वर्क की वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू गिवन है इसको चार्ज की वैल्यू पे डिवाइड कर दें आंसर आ जाएगा हमारे पास 600 वोल्ट और ये मौजूद है स्टूडेंट्स ऑप्शन डेल्टा के अंदर सो आंसर इज डेल्टा नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के एमडी कैट पेपर में आ चुका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आप जरा स्टेटमेंट देखिएगा पहली स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेस इनवर्स वर्स लॉ वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है क्यों ट्रू नहीं है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों डिस्टेंस के स्क्र के इनवर्सली पर पोस्टल है मीन्स दोनों क्या है इनवर्स के लॉ को ओबे करती हैं बीटा ऑप्शन है बोथ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर तो ये बात गलत है अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो ग्रेविटी तो हमेशा अट्रैक्टिव होती है लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है अपोजिट चार्जेस के दरमियान और रिपल्सिव भी हो सकती है आइडेंटिकल चार्ज इसके लिए तो बीटा स्टेटमेंट भी गलत है चालीस देखिएगा स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज परफेक्टली फाइन कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है कॉन्स्टेंट आता है जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स में कांस्टेंट आता है कुलॉम्स कॉन्स्टेंट के के वैल्यू होती है स्टूडेंट्स नाइन इंटू टेन टू रेस पर प्लस नाइन और जी की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू रेस पर माइनस इलेवन मीन्स

ग्रेविटेशनल फोर्स डोंट ओबे इनवर्स स्क्र लॉ तो यह बात स्टूडेंट जो तो है यह भी गलत है दोनों फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ ओबे करती है नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिएगा सेवेंटी सिक्स वट हैपन्स टू द कुल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जिस इफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस इज डबल प्रोडक्ट डबल की गई है यहां पर इंपॉर्टेंट वर्डिंग एक चार्ज को डबल नहीं किया गया मीन्स अगर दो चार्जिस फार्मूले में क्यू वन और क्यू टू आ रहे हैं तो Q1 और Q2 दोनों को डबल नहीं किया गया बल्कि क्या है दोनों की प्रोडक्ट मींस Q1 वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू ये प्रोडक्ट की वैल्यू पहले से डबल कर दी गई और दूसरी सिचुएशन क्या है डिस्टेंस बिटवीन दीज तो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्कूल ये इनिशियल मान लें फोर्स क्या है एफ अब फाइनली क्या किया गया स्टूडेंट्स दोनों चार्जिज की प्रोडक्ट को डबल कर दिया गया तो मैंने क्यू वन क्यू टू के साथ क्या लिख दिया टू का फैक्टर लिख दिया और डिस्टेंस की वैल्यू चूंकि हाफ कर दी गई तो आर की जगह आर बाय टू लिख दिया इसका स्कोयर आएगा तो ये बनेगा आर बाय फोर अब ये फोर चूंकि डबल डिनोमिनेटर में है ऊपर चला जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई टू क्या एट आ जाएगा और साथ में क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर मीन्स वो इनिशियल वाली फोर्स साथ में मौजूद होगी तो फाइनल फोर्स फिर किसके बराबर हो जाएगी एट टाइम्स द इनिशियल फोर्स तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया क्वेश्चन सेवनटी सिक्स और इसका आंसर क्या बन गया इट इज चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन सेवनटी सेवन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह भी क्वेश्चन क्या है एमडी कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के अंदर आ चुका है हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस क्लोज स्विच इंपॉर्टेंट वर्डिंग इज क्लोज स्विच की बात की जा रही है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आइडियल क्लोज स्विच की अगर बात की जाए तो आइडियल क्लोज स्विच की रेजिस्टेंस जीरो होती है और अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो ओहम स्लॉ के अकॉर्डिंग टू आई आर जब आप यूज करेंगे R की जगह जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा मींस आइडियल क्लोज स्विच के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता और अगर आइडियल ओपन स्विच की बात की जाए चूंकि ये पूछा गया था इसके साथ हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं बाय वन गेट वन फ्री तो यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आइडियल ओपन स्विच आइडियल ओपन स्विच की स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या होती है इनफाइनाइट ये याद रखिएगा एमसीक्यू और दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि आइडियल ओपन स्विच के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्विच के अक्रॉस वो बराबर होगा सोर्स के पोटेंशियल के मींस उस सर्किट के अंदर जो भी बैटरी कनेक्टेड है बैटरी का पोटेंशियल एज इट इज अपियर हो जाएगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द स्विच तो ये दोनों पॉइंट यहां पर याद रखिएगा सुबह सेवेंटी सेवन का आंसर क्या है इट इज एल्फा जिसमें लिखा गया है जीरो वोर्ड नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन अ सिक्स वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एंड रेजिस्टेंस आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द स्विच प्रेजेंट इन दिस सर्किट वॉट विल बी द रीडिंग ऑफ ए मीटर ए मीटर की रीडिंग करंट ऑफ द सर्किट तो करंट ऑफ द सर्किट ये सिंपल सा सर्किट है स्टूडेंट हमारे पास ए मीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है और बैटरी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है सिक्स वोल्ट की बैटरी है करंट फाइंड करना है सिंपली टू पुट कर दें आंसर दे, आ जाएगा चार्ली क्वेश्चन सेवनटी नाइन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्या है इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो यहां पर स्टूडेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज सो क्वेश्चन सेवन का आंसर फिर क्या है इट इज ऑप्शन चार्ली नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड अब फील्ड इलेक्ट्रिकीस की प्रॉपर्टीज है. हैं जो पर डिस्कस की गई हैं पहली प्रॉपर्टी है इनमें से हमने करेक्ट प्रॉपर्टी इनफैक्ट ढूंढनी है पहले ऑप्शन में लिखा गया है फील्ड लाइंस में क्रॉस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती इवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस नहीं करती बीटा ऑप्शन है

That means आप डेफिनेटली क्या है चार्ज के अभी क्री क्रीम मौजूद होंगे अगर चार्ज की क्रीम है तो वहां पर डेफिनेटली फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन अगर आप कहीं दूर पे चले, दूर चले जाते हैं चार्ज से तो फील्ड लाइन्स का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाता है बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली फील्ड भी क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा वाइड फॉर्मूला भी आप इसको देख सकते हैं चूंकि यहां पर अगर कोई पॉइंट आप पिक करेंगे तो ये पॉइंट चार्ज से दूर हो गया आर की वैली चूंकि यहां पर बढ़ गई स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन एटी का आंसर बहरहाल नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है, में लिखा गया है? तो ये बात गलत है फील्ड लाइन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए रेडियली आउटवर्ड या अवे होती है और नेगेटिव पार्टिकल के लिए रेडियली इनवर्ड या टूवर्ड्स द चार्ज होती है डेल्टा ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑलवेज मूव अलोंग अ फील्ड लाइन तो ये बात ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है ट्रू कब होगी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसके करीब एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो मूव करने वाला चार्ज है जिसको टेस्ट चार्ज आप नाम देते हैं वो क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन मूव करेगा लेकिन अगर उस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब आप एक नेगेटिव चार्ज रख दें तो वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा मीन्स वो मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो 100 नहीं है. है, 81, object, तो डेफिनेटली अच्छा, तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करना पड़ेंगे सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एटी वन क्वेश्चन का फिर आंसर क्या है एटी सिंपली डेल्टा नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अस चार्ज किसके बराबर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज मीन्स जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करते हैं वो यहां पर डिनोमिनेटर में नहीं आता बल्कि डिनोमिनेटर में आने वाला चार्ज क्या बनता है टेस्ट चार्ज बनता है तो अगर इस चीज को हम अप्लाई करें फील्ड ड्यू टू क्यू वन क्यू वन का अगर फील्ड आप फाइंड करना चाहते हैं जिसको मैंने ई वन का नाम दिया तो फोर्स आएगी ऑन द चार्ज अदर चार्ज मीन क्यू टू चार्ज इस केस में क्यू टू चार्ज टेस्ट चार्ज के तौर पर एक्ट करेगा इसी तरह स्टूडेंट्स अगर फील्ड ड्यू टू क्यू टू पूछा जाए तो ई टू फील्ड जो होगा ये बराबर होगा फोर्स ऑन द चार्ज क्यू वन मीन्स अब जो है वो क्यू वन चार्ज क्या रोल प्ले करेगा टेस्ट चार्ज का रोल प्ले करेगा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट uh, थी पूछा गया था कि हमारे पास रेशो बताए रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगी तो एफ ओवर क्यू टू रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगी फील्ड ड्यू टू क्यू वन चार्ज इस में क्वेश्चन एटी टू का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है ऑप्शन डेल्टा नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन एटी थ्री वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट वन

84% फोर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंट्रिंग मैग्नेटिक्ड वेलोसिटी वी द मैग्नेटिक फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी गई है और एक्सप्रेशन चारों ऑप्शन में गिवन है अब देखिएगाटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी ये जनरल एक्सप्रेशन है अब अगर इस क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए आप बात करें तो वो आ जाएगा माइनस ई चार्ज माइनस ई चार्ज यहाँ पे प्लग इन कर दें एक एक्सप्रेशन फोर्स का बन जाएगा माइनस ई वी क्रॉस b. अब ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके यूं भी लिखा जा सकता है कि ये नेगेटिव साइन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लगाएं तो हमें पता है ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है माइनस बी क्रॉस इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करेंगे तो ये वाली सिचुएशन को मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है ई e, और ये दोनों का ऑर्डर आप शफल कर दें बी क्रॉस वी नेगेटिव साइन इन्हीं के अंदर अकोमोडेट हो जाएगा और ये अगर आप ऑप्शन ढूंढना चाहें तो ये ऑप्शन प्रेजेंट है चार्ली में सो दैट मीन्स क्वेश्चन एटी फोर का आंसर फिर क्या है इट इज चार्ली लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आज के टेस्ट का मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहरहाल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन बी डॉट ए या बी ए कॉस्टा के बराबर होता है और इस फॉर्मूले में थेटा क्या है एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया इंपॉर्टेंट थिंग इज वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड तो ये एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का होगा जब भी इस फॉर्मुले से हम सॉल्व करें अब गिवन गिवन सिचुएशन क्या क्या है क्या है है इज फ्लक्स फ्लक्स मैक्सिमम के बराबर बोला गया है? और पूछा गया है एंगल की वैल्यू अब मैक्सिमम फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या होता है बी ए के बराबर होता है इस फ्लक्स की जगह इसकी डेफिनेशन पुट कर दें बी ए कॉस्ट डेटा इसको इक्वेट कर दें बी ए के बराबर सिचुएशन थी बी ए कैंसिल हो जाएगा बी ए के साथ इस साइड पे बच जाएगा वन तो कॉस्टा किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स वन के बराबर यहां से थेटा सॉल्व करेंगे थेटा आएगा याद करवाएंगे तो यू विल सीज इन ऑफ वन किसके बराबर है मैग्नेटिक मतलब फील्ड का जब एंगल जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होगा मैग्नेटिक मैक्सिमम होगा सो यहां पे अगर स्टेटमेंट अगर आप ऑप्शंस में देखें सारी ऑप्शंस के अंदर जो है वो एंगल की डिस्कशन हुई है रिलेटेड टू द प्लेन ऑफ द एरिया

स की अगर आप प्लेन ऑफ द एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा सो so, इस perspective में क्वेश्चन 85 का आंसर क्या है इट इज ऑप्शन चार्ली सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस टेस्ट होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स बड़ी डिटेल में समझ आ गए होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज असलामेकुम